सब सर खुदा का वचन को लेकर हालेलुया खुदा का पाक रूह का पहरा निवास छोड़ा है आए अपने सुख के लिए उसकी हजूर से मांगे हालेलुया आज खुदा को इस से तेरी शिफात को चाहते हैं तेरे लोगों के लिए तेरे पवित्र पाक देते हैं अगर खुदा का इस जमात चुने और बीमार आए हैं तो खुदा बीमार वापस ना लौट के जाए बल्कि खुदा उन्हें तेरी शिफात को तेरी अल्लाह की बरकत को अपने साथ लेकर जाए हालेलुया अपने कलाम को ये तेरे से सिर्फ तू प्रचार कर आज तो लात नहीं जो कलाम खुदा जो तेरा खादम सिंकी के साथ करने को है खुदा वो न खुदा बोले उन्हें होकर खुदा दा तेरा रूह काम करे हालेलुया तेरा रूह खुदा सिंह को तब्दील करता है तेरा कलाम लात नहीं है जो सिंह को तब्दील करता है खुदा का सिंह को खुदा तब्दील करने वाला कलाम अपनी सिंह को तेरे तेरे से सुन मांग लेते हैं पहले वक्त हम बोले हम कोशिश करें खुदा का पाक रूह यहाँ आए अब वक्त है तो खुदा का पाक रूह बोले और हम सुने आए खुदा के पाक रूह को कुरान के कलाम को सुनाने के लिए कुरान के माध्यम से पास्टर अलोक साहब आएंगे आप किस और तरह आए खुदा के कलाम के लिए सौ मसीह यीशु के बबरकत नाम में मैं अपनी सारी टीम को न्यू जीसस टीवी की तरफ से और अपनी कलीसिया की तरफ से चर्च की तरफ से आनावाला में खुदा का खादम होते हुए आप सबको सलामत करता हूं। आइए यीशु के चुनाव के लिए पहुंचा है कि हम खुदा के कलाम को सुने अलाउंस थोड़ा करना चाहता हूं गुड न्यूज जीसस टीवी चैनल जो माना वाला के अंदर गांव कस्बा है यहां पे हमने इसका हेडक्वार्टर जो वो बनाया यहीं पे हमारा स्टूडियो है अगर कोई नौजवान बेटे बेटियां अपने गीत रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं अगर आप शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं और कुछ चैनल के लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग के पैसे मांगते हैं लेकिन हम किसी से पैसे नहीं मांगते हाँ अगर कोई हदीये के तौर पर एक चैनल की खिदमत करता है तो कोई भी चैनल जब वो खुदा के जलाल के लिए काम करता है तो इसके साथ आप उसकी खिदमत कर सकते हैं अदरवाइज हम किसी से कुछ पैसे नहीं लेते आमीन आई खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं कलामे खुदा में जबूर नवीस की माप पर लिखा गया जबूर नंबर 107 और उसकी 20वीं आयत जबूर नवीस की माप पर लिखा गया जबूर 107 और उसकी 20वीं आयत को खुदा के कलामे मुकद्दस में से तलावत करेंगे तो कलामे लिखा है कि वो अपना कलाम नाजल फरमाकर उनको शफा देता है और उनके गुनाहों से उन्हें रहाई बख्शता है सब बोले आमीन। आज हम इस मौजू में खुदा का कलाम सीखेंगे ये छोटी सी आयत है लेकिन इसके अंदर खुदा ने बहुत बड़ा जो है वो मुकसदा रखा है और इस मजमून का जो इनाम है वह खुदा कलाम करता है और फिर खुदा काम करता है जो भी खुदा कलाम करता है और उस पर फिर खुदा जो है वो वर्क करता है खुदा उस पर काम करता है और यहां पर देखते हैं कि जब खुदा कलाम करता है तो चीजें पछू के अंदर आ जाती है जब खुदा कलाम करता है तो जर्दन दो हिस्से हो जाता है जब खुदा कलाम करता है नासिल करता है कलाम को उंडेलता है
आती है। खुदा का कलाम ला तब्दील कलाम है, इसलिए ये बदलता नहीं बल्कि बहुत सी जिंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है। तो इसलिए इससे पहले कि खुदा आदम के साथ कलाम करता है और उसके अंदर जिंदगी का थम टूटता है, खुदा उस पर काम करता है, आदम को बनाता है और फिर उस पर कलाम करता है और वो जिंदगी जान हो जाता है। इससे पहले कि खुदा खुद कलाम करता था कि चीजें मौजूद के अंदर आ जाती, खुदा कहता हो जा और वो हो जाता था। ये खुदा का पहला स्टेप है, ये वो खुदा का पहला मुकसव है, ये वो खुदा की पहली आवाज है। इससे पहले कि खुदा कलाम करता है और फिर आदम के साथ यहां पे हम देखते हैं कि वो कलाम करता है, किस पल को न खड़ा और फिर खुदा जो है वो फरिश्तों के वसीले से कलाम करता है। खुदा अपने फरिश्तों को नबियों पर भेजता था और खुदा अपने फरिश्तों को मुकद्दसा मरियम के पास भेजता है और ये कलाम जो है ये मरियम के साथ है, ये मरियम के बातन के साथ है कि तेरा तेरे बेटा होगा और वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। क्या करेगा भी? निजात देगा। अपने जात कौन देगा? जो तुम भी तो पाक हो, जो जिस्मानी तौर पर पाक हो, जो गुनाह से पाक हो, किसी भी गुनाह में वो मलबस ना हो, वही उनके गुनाहों से उन्हें क्या करेगा, निजात देगा। और यीशु मसीह ने ये कहा, कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करेगा? और यही है वो अपने लोगों को उनके गुनाह से क्या करेगा, निजात देगा। ये खुदा का कलाम है जो मुकद्दसा मरियम के साथ था। और फिर तीसरे दौर के अंदर खुदा जो है वो नबियों के वसीले से कलाम करता है। किनके वसीले से भी? नबियों के वसीले कलाम करता है। खुदा अपने बंदा हिजकिया को जब मूर्तों की बस्ती में भेजता है, जब वो मूर्तों कब्रस्तान के अंदर उसे भेजता है, तो खुदा नबी के वसीले से उन सूखी हुई हड्डियों से कलाम करता है। और जब खुदा का बंदा उनसे कलाम करता है, ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, तो लिखा है वो हड्डियां आपस में मिल गई। और फिर वो कलाम करता है, ऐ सूखी हड्डियों खुदा का कलाम सुनो, तो उन पर वो चमड़ा चढ़ा। और वो जब तीसरी बार कलाम करता है तो वो जिंदगी जान होगी। ये खुदा के कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। अभी हम देखते हैं कि ये मुर्दा हड्डियां जो कई सालों से कई सदियों से कब्रस्तान के अंदर है, मट्टी के अंदर है, और खुदा के कलाम जब होता है और जब खुदा नबी के वसीला से कलाम करता है, तो वो सब हड्डियां जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जिंदगी जान हो जाती है, वो खुदा का कलाम सुनने के लिए इकट्ठी हो जाती है। और समीर का कुल इख्तियार मुझे दिया गया और मैं
उनको स्वीकृत बनाओ। क्या लिखा? सब कौमों को जाकर क्या करो? स्वीकृत बनाओ। आम कौमों के उस्ताद हैं, उस्ताद बनाकर भेजा गया है। सारी कौमों को जाकर क्या करो? स्वीकृत बनाओ। और फिर तालीम है, फिर बपतिस्मा है, और फिर बेशक की जिंदगी है। तो ये कलाम जो है इख्तियार की बात करता हूं। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब हम सातवें दौर को देखते हैं, सातवां पॉइंट जो मैं बयान कर रहा हूं, और सुनो की इमान के अंदर लिखा है, जब दूसरा भाग और उसकी सात आयत के अंदर पढ़ते हैं, तो ये सातवां अदद जो है ये कामलियत का अदद है और ये फतह का अदद है। और यहां पर देखते हैं कि खुदा के कलाम लिखे तो खुदा फरमाता है, कौन भी खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर रूह डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी? नबूवत करेंगी। क्या करेंगी भी? नबूवत करेंगी। खुदा फरमाता है, कौन भी? आसमान और जमीन टल सकता है लेकिन खुदा के मुंह की बात हरगिज नहीं कर सकती। इसलिए खुदा जब यह फरमाता है कि मैं अपने रूह में से, किस कहां से भी, अपने रूह में से रूह डालूंगा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटी क्या करेगी? नबूवत करेगी। और बाइबल के अंदर लिखा है फिलिप्पस मबशर की चार तुम्हारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। क्या करती थी? नबूवत करती थी। और बाइबल के अंदर पहली मबशरा सामरी है। अब वो सामरी नाम नहीं उसका, वो सामरिया की रहने वाली है। इसलिए सामरिया की औरत के वसीला से कलाम के अंदर लिखे कि सारा सामरी जो है वो तब्दील हो गया यीशु के कलाम पर, वो ईमान ले आए। अब यहां पे देखते हैं कि खुदा ने अब आपके पास फरिश्ते कलाम सुनाने के लिए नहीं आएंगे, आपके पास रसूल कलाम सुनाने के लिए नहीं आएंगे, नबियों में से कोई नहीं आएगा, शिगिर्दों में से कोई नहीं आएगा, लेकिन आखिरी दौर के अंदर यह खुदा का बड़ा फजल है, यह खुदा की बड़ी कुदरत है और यह खुदा की बड़ी खास है और यह खुदा का बड़ा पायल है कि खुदा आखिरी दौर के अंदर बेटे और बेटियों के सबूत ये काम करता है। ये कहानत का काम, ये अनछिली काम, ये प्रशांति काम, अलमियत का काम और शफा का काम और अपनी सारी खुदामंदी का काम जो है वो किन के सबूत करता है? बेटे और बेटियों के सबूत करता है। आखिरी दौर के अंदर इख्तियार दिया गया है। आप देखिए इख्तियार क्या है, इसके साथ मैं इसको वेंड करने वाला हूं। इख्तियार क्या है? एक मिसाल आपको दूंगा। एक सार्जेंट है, तो जब वो रोड पे खड़ा होता है तो ऐसे हाथ करता है तो गाड़ियां रुक जाती हैं, लेने लग जाती है। क्यों ऐसा है बताया जरा, क्यों ऐसा है? उसके पास वर्दी है और उसके पास इख्तियार है, गवर्नमेंट की इख्तियार है, इसलिए वो ऐसे हाथ करता है तो गाड़ियां रुक जाती हैं। तो जिसके पास इख्तियार नहीं उन्हें पावे दस हजार टोपी पाया दूंगा तने में लगा दुनिया की हाजी हार जाएंगे, लोग रुक जाएंगे, उनके बना उपाय क्यों रोक जाएंगे? ऐसा है तो इख्तियार की बात करता हूं। इख्तियार जब हम अकल में जबूर को करते हैं तो ये ऐसे इख्तियार की बात है जो बेटे और बेटियों के सबूत किया गया है। ज़बूर नवीस की मात्र लिखा गया है कि तेरे आस पास 1000 हल्लिया, तेरे आस पास 1000 और तेरे दाने हाथ के अंदर 10000 गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे नजदीक नहीं आएंगे। तू अपने आप को से क्या करेगा? और उसका अंजाम देखेगा। एक ध्यान की बात करता हूं तो खुदा जब आपको ध्यान देता है तो इख्तियार वो क्या है? रूह कुदस इख्तियार है। क्या भी? रूह कुदस बहुत बड़ा इख्तियार है जो मेरे और आपके सपोर्ट किया गया है, जो खुदा ने आपके सपोर्ट किया गया है। और आप इस रूह कुदस के इख्तियार को रिसीव कीजिए। जब आप इसको रिसीव करेंगे, इस इख्तियार को अपनी जिंदगी में लेंगे तो खुदा क्या करेगा? उसने कहा तुमने मुझको नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको क्या है? चुन लिया है। और वह आपको चुन चुका है, आप चुने हुए लोग हैं, आपका चुनाव हो चुका है और आपको यह इख्तियार दिया गया है। तो जब आप इस इख्तियार को रिसीव करेंगे तो कैसा होगा? फिर क्या होगा? जैसे सार्जन ऐसे हाथ करता है तो गाड़ियां रुक जाती है, तो जो कीजिए लफ्जों पर जब रूह को दस जो आपको इख्तियार दिया गया, जब इस इख्तियार को आप रिसीव करेंगे तो आप ऐसे हाथ करेंगे पत्थर से निकल जाएंगी, आप ऐसे हाथ करेंगे घराने तब्दील हो जाएंगे, आप ऐसे हाथ करेंगे तो कलीसिया मैदान हो जाएगी। आप जिस घर के अंदर जाएंगे किसी बीमार के लिए दुआ करेंगे वो शफा जाएगा,
सीसीटीवी पुलिस की तरह से दी होगी। कितने लोग हैं जो आज इस ग्राम के विसला से इख्तियारपुर सीख करना चाहते हैं, शफापुर सीख करना चाहते हैं, और खुदा के कलाम की जो बरकत आपने नसीब की है, ईमान रखता हूं कि आप कलाम के सुनने से इख्तियार को भी पाया है, शफा को पाया है, ईमान को पाया है, अपनी जिंदगी को तब्दील हुए होते हुए देता है। और उम्मीद करता हूं कि आप सबने इस कलाम के सिला से बरकत पाई है। आखिर में बीमारों के लिए दुआ करेंगे। सुनने की आप किसी जिस्मानी बीमारी के अंदर हैं, कुछ लोग रूहानी तौर पर भी बीमार हैं। क्या है? रूहानी तौर पर भी बीमार होते हैं, वो चाहते नहीं कि हम शिफा जाओ हो जाए, तो आप उसके लिए भी दुआ कर सकते हैं। अगर कुछ जिस्मानी तौर पर बीमार है, किसी की किस्म के अंदर के बीमारी है, तो आपके घराने के अंदर कोई बीमार है, पुलिस के अंदर कोई बीमार है, किसी किस्म की बीमारी आपके अंदर है, तो आप अपनी जगह पर तो खड़े हो जाए। मैं और खुदा के कादर अहमद साहब आप सबको आपके लिए मुझे को दुआ करेंगे। आपके घरों के लिए दुआ करना चाहते हैं, आपकी दुआ करना चाहते हैं, खुदा के कादर में दुआ करना चाहते हैं। और पुलिस के अंदर लोग जिस्मानी तौर पर या रूहानी तौर पर कमजोर है, तो खुदा बतवाए रूहानी तौर पर बेधार, रूहानी तौर पर बीमार है, तो खुदा तुम्हें खूब दुआ। हम सब मेरा शुक्र करते हैं अशरफ के लिए, उनकी सारी कलीसिया के लिए, आज की सारी इबादत के लिए, आज के सारे प्रोग्राम के लिए, सभी कोशिश जान करें। और एक खुशी बात है, खुदा के कादम और शरीफ और आप सब कृष्ण मुक्ति होकर मैं आपको ज्वाइन देता हूं।